बोलते ना कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उस बड़े आदमी की एक डेफिनेशन ही उसने चेंज कर दी है। वो छोटा आदमी है बट उसको कितनी इज्जत और कितना प्यार मिल रहा है, वो बहुत ही गजब का है। और आई जस्ट कांट इमेजिन कि वो कितना प्यारा इंसान है। तो बस अब्दुल रज़िक को फुल पे। तो मेरा बहुत सारा सपोर्ट स्टैन, और सपोर्ट तो क्या करूँ कहीं, मतलब मैं स्टैन और अब्दुल रज़िक को बहुत सारा प्यार, और मैं चाहता हूँ कि यार वो लोग फिनाले तक जाए। अभी इट्स वेरी टू सून टू से कि विनर ये बनना चाहिए, बट आई रियली वॉन्ट टू सी देम एंड आई वॉन्ट रज़िक टू बी देयर टिल फिनाले। मैं चाहता हूँ उसको बहुत कामयाबी मिले, उसको बिग बॉस के बाद भी उसको बहुत काम मिले, और रज़िक अंदर ठीक रहे। बहुत मुश्किल है, आई नो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे रहना, मैं रहा हूँ इस तरह की चीज़ में तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है वहाँ रहना, तो रज़िक का वहाँ रहना ईजी हो और वो अभी जैसे मज़े कर रहा है वैसे ही मज़े करे। स्टैन थोड़ा इधर उधर हिल रहा है बिकॉज वो दिल से खेल रहा है, उसको दिखावा नहीं करना इसलिए हिल रहा है वो इधर उधर। और जितने लोग बोलते हैं ना कि स्टैन के बारे में हमें पता नहीं है, वो नहीं पता है, सब अब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो स्टैन को पूरा घोल के आया है, घोल के पी के आए वो लोग, उनको पता है कि कौन से लेवल का बंदा है, उसकी क्या तगड़ी फैन फॉलोइंग है और कितना सही है दिल का वो बंदा। और लोगों को नहीं पता है उस कितने दिल का, मैं उसके साथ बैठा हूँ इसलिए मुझे पता है वो दिल का कितना अच्छा इंसान है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसका काम तो है ही बढ़िया, अलग साउंड ही अलग ही बजता है वो, लेकिन ये लोग सब जब अनाउंस हो रहा है एमसी स्टैन आने वाला, तो ये लोग सब लोग है ना देखे होंगे उसको ए से लेके जेड तक एमसी स्टैन का, और इनको पता है कि भाई ये तो इसका क्रेज अलग है, तो इसको भाव देंगे तो भाई वो हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको भाव ही मत दो, इसको फुटेज ही मत दो, इसको एकदम साइड साइड में रखो। तो ये सब मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा सा, बट क्रेजी है एमसी स्टैन तो किल कर देगा, ठीक है।